ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से तो आज मैं आपको एक ऐसी अरदास सुनाने जा रही हूँ जिससे बाबा बहुत खुश होते हैं। तो आप अगर बाबा के सामने ये अरदास बोलेंगे तो बाबा आपके अंग संग रहेंगे और बाबा आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे। तो साई भक्तों, आइए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सुनने से पहले। तो मैं आपको अरदास सुनाती हूँ साईं जी की, जिससे आपके ऊपर कृपा होगी। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं बाबा तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम हो नाथ, साईं भरोसे में रहूं तुम पिते और मात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरी हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो है राखनिहारी साईं गरीब निवास, तुम बिन में तेरे बाल की बाबा कौन सवारे काज। दया करो मेरे साईं, तुम बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, बच्चों के सर्वज्ञ प्रभु तुम सदा रहो मेरे साथ। रहम करो साईं, रहम करो साईं। तो साईं भक्तों, बाबा से हम यही कहेंगे कि बाबा हम पर रहम करो। अगर हमारी जॉब नहीं है तो हमारी अच्छी सी जॉब लगवा दो, और हमारे अंग संग रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना बाबा। तुम्हारे बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते बाबा, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती, और कभी हमारा बुरा नहीं हो सकता। तो साईं भक्तों, मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप बाबा की अरदास पढ़ें, बाबा की कष्ट निवारण पढ़ें, और बहुत सारे बाबा के ऐसी ऐसी बुक हैं जिसके करने मात्र से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाती हैं। आप महापरायण पढ़ें, श्री साईं सचित्र का पाठ करें, उसके करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। तो साईं भक्तों, मैं बाबा से यही कहूँगी, जो भी मेरे साईं भक्त मेरे से जुड़े हुए हैं उन सब की बाबा झोलियाँ भर दे, जो भी कमी हैं तो उनकी वो कमियाँ दूर कर दे, और बाबा सबकी झोली भर दे। जिसको जो भी चाहिए वो सब उसकी झोली में भर दे। तो ओम साई राम, जय साई राम।